म्यूजिक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त, वोकल कोच, सिंगर सॉन्ग राइटर रणित सिंह, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रणित। सिंग अलोंग, ई एकेडमी फॉर सिंगर्स, लर्न फ्रॉम योर होम। दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं कर पा रहा था, आप लोगों को नहीं बता पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं बहुत बीमार था एक्चुअली, मुझे वायरल हुआ था एंड देन थ्रोट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मेरा बात करना और इवन खाना पीना भी मुश्किल हो गया था कुछ दिनों के लिए, तो वीडियोस बनाना तो बहुत दूर की बात थी। तो फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आई एम बैक, और ट्राई करूँगा थोड़ा फ्रिक्वेंटली वीडियोस पोस्ट करूँ। एंड इस दौरान बीच में दो दिन पहले अभी एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें आप सबको पता है कि वी हैव लॉस्ट स्टार सिद्धार्थ शुक्ला, एंड काफ़ी ट्रेजिक है बिकॉज बहुत यंग एज थी, बहुत कम उम्र थी, एंड अभी तो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग ही हुआ था सक्सेस को, अभी उन्होंने टच करा था एंड दिस हैपेंड। तो आज का जो एपिसोड है, इट्स गोना बी ट्यूटोरियल ऑफ अ सॉन्ग कॉल्ड दिल को करार आया, जिसमें फीचर हुए थे सिद्धार्थ शुक्ला जी। तो इट्स गोना बी अ ट्रिब्यूट टू हिम, एंड ऑल्सो इस गाने की रिक्वेस्ट भी आ रही थी काफ़ी टाइम्स, तो आई थॉट लेट्स लर्न दिस सॉन्ग बिकॉज ये सही टाइम रहेगा, इन अ वे हम लोग उनको याद भी कर लेंगे और इस गाने को भी सीख लेंगे। बहुत से लोग इस गाने को कवर कर रहे हैं रिसेंटली, तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट। ऑलराइट, तो इस गाने के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस गाने को गाया है यासिर देसाई ने और नेहा कक्कड़ ने, और जो ये गाना है एक सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, कोई मूवी का नहीं है। काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ऑल्दो ये एक साल पहले रिलीज़ हुआ था, लेकिन जो इसको मैं कहूँगा कि ये जो आजकल यू नो रील्स वगैरह बनते हैं, इसके थ्रू ये गाना अब पॉपुलर ज़्यादा हुआ है रिसेंटली, विद इन लाइक 2 months आई थिंक, 1 या 2 महीने के अंदर ही ये गाना थोड़ा पॉपुलर हुआ है। तो इससे पहले गाना मैंने नहीं प्रिपेयर करा था ऑनेस्टली, मैंने सिर्फ कल परसों ये गाना थोड़ा बहुत सुना है, आज सुना है, एंड आई हर्ड दिस सॉन्ग एंड आई लाइक्ड इट, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना सिखाया जाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस गाने की जो लाइन है, इस गाने के बारे में समझ लेते हैं कि गाने में है क्या। जैसे कि गाना है रोमांटिक सॉन्ग है, मेलो गाना है काफ़ी, और आप इंजॉय करोगे, इसके लिरिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा बड़ा गाना नहीं है, छोटा गाना है, एंड सीखने के लिए समझने के लिए काफ़ी अच्छा गाना है, बहुत मुश्किल नहीं कहूँगा और बहुत आसान भी नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल का ये सॉन्ग है। अगर आप इसको अच्छे से गाना चाहते हो तो आपको इमोशंस को कैरी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सॉन्ग। ऑलराइट, तो जैसे जैसे लाइंस हैं, जैसे जैसे लिरिक्स हैं, उसको फॉलो करिए, और कुछ जो टेक्निक्स यूज़ हुए, यानी कि इसमें ये काफ़ी यू नो लो एंड सॉन्ग नहीं है, इट्स नॉट अ सॉन्ग जिसमें इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सॉन्ग जिसमें काफ़ी आपको लो जाना है, इसमें उल्टा आपको थोड़ा सा अपर एंड में ही गाने को गाना है, थोड़ा ऊपर रखे अलर्ट मोड में, थोड़ा ऊपर ही होके गाना है, बहुत रिलैक्स गाना नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। वैसे ये गाना सूदिंग है अगर आप सुनोगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सिंगिंग में ये बहुत ज़्यादा आपको यू डोंट हैव टू बी वेरी लेजी काइंड ऑफ एटीट्यूड विद दिस सॉन्ग, ये गाना थोड़ा अच्छा गाना है, तो आप उस तरीके से इस गाने को गाना होगा। ठीक है, तो लाइंस को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट लाइन आती है इस गाने की, जो गाना जिससे शुरू होता है, वो है दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। ठीक है, तो कैसे गाया है इसको, इस गाने को, इस गाने का जो स्केल है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल जो है वो है जी शार्प माइनर। ऑलराइट, तो जिनको नहीं पता ये है उसका स्केल, जी शार्प माइनर। तो कैसे शुरू होता है, सबसे पहले हमिंग करो, गेट द सा, तो गाना शुरू हुआ, दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। ठीक है, तो ये 3 lines है, इस पर फोकस करेंगे, सेम मेलोडी पे है तीनों लाइंस। ठीक है, थोड़ी सी हल्की फुल्की मुर्कियां हैं, मैं स्लो डाउन करूंगा, दुआ भी लगे ला 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 ला, ऑलराइट, दुआ भी लगे ना मुझे, ना पे वेरिएशन है,
मुझे श्रेड है। दुआ भी लगे ना मुझे, मुझे ऐसे भी कर सकते हो, दुआ भी लगे ना मुझे, एक स्टेप उतार भी सकते हो उस नोट को, ठीक है, कैसे, दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, एकदम एग्जैक्टली सेम है, रेप्लिका है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, स्लो करके मैंने बता दिया है, दोबारा सुन लेना। थर्ड लाइन है, जब से दिल को मेरे, अच्छा यहाँ थोड़ा सा को पे सस्टेन है, जब से दिल, ओके पीछे से गाते हो बातें, कभी कभी ना क्या होता है कोई लाइन आप अगर पीछे की लाइंस के साथ गाओगे तो ज्यादा अच्छी लगती है, अलग से वो उतना मजा नहीं आता, ठीक है, तो पीछे से आएंगे, दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे, जब से दिल को मेरे कैसे, जब से ठीक है, जब से दिल को मेरे तू लगा है, विद विब्राटो एंड करना है, ठीक है, ये बहुत मैं कहूँगा सिंपल है, लेकिन थोड़ा इसमें ना अप्रोच आपको बहुत भारी आवाज़ में नहीं गाना, थोड़ा लाइट करना पड़ेगा आवाज़ को, मैं भी लाइट करके गा रहा हूँ ना इन लाइंस को, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग है, इट्स नॉट अ गज़ल, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, ऑलराइट, तो एक बार तीनों लाइंस को मैं दोबारा गा देता हूँ इन अ फ्लो, दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, कहीं कहीं पे वोकल फ्राई का इस्तेमाल आप कर सकते हो, दुआ जब मैं बोल रहा हूँ, दुआ दुआ तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, और दवा पे भी कर रहा हूँ, एंड जब से, यहाँ पर ये फ्राई नहीं है, मैंने फ्लिप करा है, जब से तो आप फ्राई भी यूज कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, यहाँ पर फ्रीडम है आपको, जब से दिल को मेरे तू लगा है, विब्राटो के साथ एंड कर दिया। फिर सिमिलरली अगली जो लाइंस हैं वो भी इसी तरीके से हैं। नींद रातों की मेरी की पे, जैसे उसमें ना पे था यहाँ पर की पे है, नींद रातों की मेरी, सस्पेंस में एंड करा है मेरी को, इट्स नॉट मेजर, थोड़ा सस्पेंस करा है लास्ट में, नींद रातों की मेरी, राइट, चाहत बातों की मेरी, इस तरीके से ही एंड करोगे, राइट, और खुल के गाना है, नींद रातों की मेरी चाहत को ओपन करके, चाहत ओपन, नॉट चाहत, नहीं है, चाहत बातों की मेरी, फिर चैन को भी मेरे तूने, नॉट तूने, तुमने है, थोड़ी ज्यादा इज्जत दी है चैन को, शुरू से गाते हैं, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तुमने, ये थोड़ा अलग से आएगा क्योंकि हमें मीटर के अंदर भी रहना है, हमें मेलोडी मेंटेन करके रखना है, ऑलराइट, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरी तुमने, इस तरीके से आएगा, चैन को विथ फ्राइज, चैन को भी मेरी तुमने, चैन को भी पे भी थोड़ा सा विब्राटो है, चैन को भी मेरी तुमने, चैन को भी मेरी तुमने, फिर यूं ठगा है, यूं ऑलराइट, यूं ठगा है, विद विब्राटो एंड। अब आती है गाने की मेन लाइंस, जहां से आप एंटर कर जाओगे जो इस गाने का टाइटल है उस पे, तो यहाँ से थोड़ा चेंज है, ठीक है, तो जहाँ तक गाया हमने अभी, चैन को भी मेरी तुमने यूं ठगा है, अब ये यहाँ पर एंड हो गया है, ये पर्टिकुलर लाइन्स जो है अलग तरीके से आएंगी ऑलराइट, और ओपनली गाना है इसको, सॉफ्टली, ज़्यादा सॉफ्टली मत गाना इस गाने को, उतना मज़ा नहीं आएगा, ओपन करके गाओ थोड़ा इसको, क्या लाइंस है, जब
सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर तू, नजर तू यार। अच्छा तो क्या लाइंस है? जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर तू यार आया। ठीक है, आया पे एक क्या कहते हैं वेरिएशन करा है ताकि दिल को करार से इसे कनेक्ट करें। ऑलराइट, थोड़ा स्लो करके बताता हूं। जब सीधा नोट है, ऊंचा नोट है, बहुत नीचे का नोट नहीं है, एंड उस तरीके से गाओगे। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर में तू। सॉरी, तो ये कनेक्टेड गाना है आपको पूरा। ठीक है, जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर तू या आया आया ऐसे कनेक्ट करना है। नजर तू यार आया, ऐसा ड्रॉप नहीं है, कनेक्टेड है। नजर तू यार आया, ठीक है, आया ला 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 ला। तो ला 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 जो है आ यहां से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और गा के कनेक्ट करते हैं। नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। तो इस लाइन को समझ लेते हैं। दिल को सॉफ्टली भी गा सकते हो, लेकिन थोड़ा झटके से आना है। दिल को करार, नॉट दिल को करार, ऐसा नहीं है। दिल को करार आया, ठीक है, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार। नो नॉट लाइक दिस, पहली पहली भी उसी तरीके से जैसे बाकी आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सुना है जो जिसमें ये लो होता है थोड़ा, इसी टाइप का मेलोडी, तो मैं उस पर चला जा रहा था। बट हियर तीनों लाइंस सेम वे में है। ठीक है, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। तो पहली पहली बार आया, सेम हरकत है। ला 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 ला, सेम वे। ला 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 ला, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, पहली पहली बार, पहली पहली बार, पहली पहली बार, ऐसे नहीं कर रहा, पहली पहली बार आया ओ यारा। देन विब्राटो से एंड करा। ठीक है, फिर सेकंड टाइम सेम चीज, थोड़ी वेरिएशन के साथ है। वो क्या वेरिएशन है? आया पे वो नोट करना क्या था, पहले सिंपल गा रहे थे ना, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा, एक जैसा था, अब चेंज है। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। तो जो वेरिएशन है एक छोटी सी जगह पे, आया पे है वेरिएशन। तो सिंपल वाला क्या था, तुझ पे है प्यार आया, इसको चेंज करके क्या कर दिया, तुझ पे है प्यार आया, तुझ पे है प्यार आया, सिंपल, तुझ पे है प्यार आया, एक स्टेप और ऊपर चले गए हैं। ठीक है, पहली पहली बार आया ओ यारा, बाकी सब सेम है। इसके बाद फिर एक क्या बोलते हैं, इम्प्रोम्प्टो है कुछ, एक पार्ट बना रखा है रैंडम,
तो वो आप अपने स्टाइल में भी ले सकते हो, क्योंकि अक्सर वो चीज़ लोग अलग ढंग से ही लेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कुछ ऐसा लिया हुआ है उस गाने में, आई एम नॉट श्योर, मैंने उतना अच्छे से अभी सुना नहीं है, ऑल दो कुछ ऐसा ही है। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। समथिंग लाइक दैट। तो आप ये भी कर सकते हो, आप अपने स्टाइल में भी कुछ और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इसका अंतरा। तो अंतरा कैसे है? हर रोज पूछे ये हवाएं, तो इसको आप ऐसे भी गा सकते हो, या फिर हवाएं हम तो बता के हारे, हम तो बता के हारे, यहाँ पर हम तो बता के हारे हारे, इस तरीके से गाया है। तो दोनों लाइंस को कंबाइन करते हैं। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, नहीं थोड़ा लगे, हम तो बता के हारे, ठीक है, ये दो लाइंस। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, हम तो बता के हारे, हम तो बता के हारे। अच्छा, यहाँ थोड़ा आप एरी साउंड यूज़ कर सकते हो अगर आपको सॉफ्ट साउंड करना है। मैं भी सिखा रहा हूँ तो मैं आई एम ट्राइंग कि मैं जितना स्ट्रेट रह सकूँ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर वेरिएशन से नोट करो, हर रोज पूछे ये पे वेरिएशन है, हर रोज पूछे ये हवाएं, ऐसे भी कर सकते हो, हवाएं हम तो बता के हारे, हम तो बता के हारे, ठीक है। क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे, ठीक है। फिर थर्ड लाइन क्या है? क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे, ये तीन लाइंस को कंबाइन करके गाते हैं। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे। ये हमसे जो मैंने करा है ये नेहा कक्कड़ वाला कर दिया है, फीमेल वर्जन, फीमेल जो लाइन है नेक्स्ट टाइम जो रिपीट होती है। तो दो वेरिएशन है कुल मिला के। तो पूरा गाने की बजाय मैं बता देता हूँ वेरिएशन कहाँ पर है वो। एक तो क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे, ये यासिर ने गाई है, इसका वेरिएशन करा है। क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे, ये जो वेरिएशन है ये नेहा कक्कड़ ने कर दिया है, सेम लाइन है पूरी, एग्जैक्टली सेम है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है वो सेम उसी तरीके से है, जब सांसें भरूं मैं, सेम मेलोडी में है। अब फिर से तेरे इन होठों पे मेरे इजहार आया यारा, इजहार आया, ऐसे कुछ है वो। आप थोड़ा एक बार गाने पे चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से गाऊंगा इसको, इस लाइन को। मुझे वो वाला पॉइंट उतना अच्छा नहीं लगा था, वो जो चेंज है वहाँ पर, और फ्लो उससे थोड़ा जा रहा था, बट कोई नहीं, आप वो भी सुन सकते हो, ये भी सुन सकते हो जो मैं गा रहा हूँ। अब फिर से तेरे इन होठों पे मेरे इजहार आया यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, ओ। तो इस तरीके से इसको आप गा सकते हो गाने को। आई होप यू एंजॉयड इट। मैंने भी ये गाना अभी इतना ज़्यादा सुना नहीं है, ऑल दो
लेकिन आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ आया होगा इस गाने को किस तरीके से अप्रोच करना है. ट्राई टू बी ओपन. ओके, इसमें बहुत क्या कहते हैं, आवाज़ को दबा के गाने की कोशिश मत करना, आवाज़ को खोल के गाने की कोशिश करना. तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा इस गाने को क्या गाना है. और ट्राई टू मेंटेन द फील ऑफ द सॉन्ग. ओके, फील बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मे बी मैं जब आपको सिखा रहा हूँ तो मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा, अभी मैं वेरिएशंस और जो छोटी छोटी चीज़ें उन पर ध्यान दे रहा हूँ, जो न्यूएंसेस हैं, शब्द हैं. और हाँ, शब्द पे ज़रूर ध्यान देना कि उनकी प्रोनंसिएशन करेक्ट हो और जो भी लिरिक्स आ रहे हैं वो रिलेटेबल हों. आप रिलेट करके गाएं, सीखें, समझें, तब जाके आपको उसका फ़ायदा होगा. ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल एंड दैट वॉज अ ट्रिब्यूट टू सिद्धार्थ शुक्ला. एंड लेट्स होप एंड लेट्स प्रे फॉर हिम and his soul may rest in peace and may find the best place in the heaven. और क्या कर सकते हैं हम, life is like that. कब क्या हो जाए कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता. तो इसी के साथ let's end this session, end this video. और जो लोग पहली बार आए थे इस चैनल पर, make sure आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो अभी, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए. ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम ब्रांड न्यू टॉपिक. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय.